जो लोग अपनी टाइमिंग और कड़कपन को बढ़ाना चाहते हो, ऐसे लोग चावल के दाने के बराबर शुद्ध शिलाजीत का प्रयोग सुबह 5 बादाम भिगोए हुए रात भर उसके साथ करें। आपको करना क्या है, आप रात भर 5 बादाम को भिगो दें, सुबह उनका छिलका उतारें और उनको थोड़ा पीस लें, उसके अंदर थोड़ी सी मलाई डाल लें और धागे वाली मिश्री थोड़ी सी वो भी डाल लें, उसको भी पीस लें, इन तीनों का एक मिश्रण बन जाएगा। अब शुद्ध शिलाजीत चावल के दाने के बराबर और ये मिश्रण इसका एक साथ सेवन करें। अगर आपने पहले सुबह कुछ खा रखा है कोई बात नहीं, आप थोड़ा 1-1.5 घंटा इंतज़ार करें और उसके बाद इसका सेवन करें। लेकिन अगर आप सुबह बिना कुछ खाए इसका सेवन करेंगे, बिना कुछ खाए का मतलब है अगर आप सुबह उठकर कोई फल फ्रूट खाते हैं या कुछ खाते हैं, कोई बात नहीं, उसको आप खा सकते हैं। इस नुस्खे के लिए खाली पेट होना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि इस नुस्खे के सेवन के बाद आप 2 घंटे तक कुछ नहीं खाएं। दूसरी बात जो बेहद ज़रूरी है, जो शिलाजीत है उसका सेवन चावल के दाने के बराबर ही करें, उससे ज़्यादा इसका सेवन किसी कीमत पर नहीं करें। कुछ लोग लालच करते हैं कि अगर वो थोड़ा ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उल्टा जो थोड़ा बहुत कड़कपन और टाइमिंग आपके पास अभी बकाया है आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए शिलाजीत का सेवन हमेशा ध्यान से बहुत कम मात्रा में, चावल के दाने के बराबर, चने का दाना भी बड़ा हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी। और तीसरी बात एक और आप ध्यान से सुन लें, जो इसके फ़ायदे होंगे वो तो आहिस्ता आहिस्ता होंगे, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो वो 24 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। तो इसलिए इस नुस्खे का सेवन बहुत ध्यान से करें, चावल के दाने से ज़्यादा शिलाजीत का सेवन किसी कीमत पर नहीं करें। इसका सेवन पूरे दिन में एक ही बार करें, रात को कोई ज़रूरत नहीं, बस दिन में सुबह एक ही बार, और ऊपर से दूध पी लें गर्म, तो आपकी कड़कपन और आपकी टाइमिंग अपनी चरम सीमा पर होगी। इसका सेवन आप लगातार 2 महीने के लिए करें, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लें 1 महीने का, फिर लगातार 2 महीने के लिए करें, फिर 1 महीने का ब्रेक लें, ऐसे आप इसका सेवन चाहे ता उम्र करते रहें, आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे आपकी मर्जी है, अगर आपको लगे वीडियो अच्छी इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।